विधानसभा चुनाव के पहले नक्सलियों ने श्यामगिरी गांव में ब्लास्ट कर दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी समेत चार जवानों की हत्या कर दी थी। वहीं अब उसी श्यामगिरी गांव में दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ग्रामीणों के दिल में दहशत को दूर कर रहे हैं, उनके दिल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यहां उन्होंने निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया है जिसमें श्यामगिरी के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे हैं और इनका इलाज दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने खुद किया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बच्चों को किताबें, खेल का सामान, महिलाओं को साड़ियां भी भेंट की। और आपको बता दें कि नक्सलियों के इलाके में एसपी लगातार सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों से लगातार बेहतर संबंध बनाए हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं नक्सलियों के रेड कॉरिडोर वाले इलाकों में सफल मुठभेड़ और इनामी नक्सलियों को मार गिराने और सरेंडर करवाने या फिर गिरफ्तार करने में बीते दो महीने में सफल भी रहे हैं। इस बीच संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया ने दंतेवाड़ा एसपी और सरपंच से खास बातचीत की, ये सुनिए। आज से ठीक दो महीना पहले इसी श्यामगिरी गांव में विधायक के काफिले पर एक बड़ा हमला हुआ था, जिस हमले में दंतेवाड़ा के विधायक भीमाराम मंडावी शहीद हो गए थे। ठीक दो महीना बाद आज जिला पुलिस बल का एक यहां पर मेडिकल शिविर कैंप लगा हुआ है। दंतेवाड़ा के एसपी आए हुए हैं और लोगों को दवाइयां बांट रहे हैं। काफी भीड़ यहां पर पहुंची हुई है, हमारे साथ सरपंच भी पहुंचे। हम पूछते हैं कि पुलिस का ये मेडिकल कैंप जो यहां पर लगा है कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जो इससे पहले यहाँ पर घटना हुई थी उसके बाद से आप लोगों को क्या कोई डर और भय का माहौल था यहाँ पर? क्या करेंगे, गांव छोड़ के तो कहीं हम लोग जा नहीं सकते हैं ना, डर होने से भी। गांव है अपना, गांव से खेती बाड़ी छोड़ के हम लोग कहाँ जाए। आज पूरे गांव के लोग आए हैं यहाँ पर? हाँ, पूरा गांव के लोग आए, बच्चे उच्चे लेके सब पहुँचे हैं। ये थे सरपंच जी। यहाँ पर पूरी भीड़ आई हुई है और गांव के काफी लोगों को यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एसपी सर भी हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। गले पर एसपी सर आला टांगे हुए हैं और ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं। सर थोड़ा सा बताएंगे सर कि कैंप में यहाँ पर आप दवाइयाँ दे रहे हैं क्या, मतलब क्योंकि लगातार, क्योंकि हम पिछले दो महीने में चौथा कैंप है हमारा अंदरूनी क्षेत्र में। हमने पहला कैंप दुगेली में लगाया था, उसके बाद भांसी में लगाया था, पेड़पा में लगाया, अब यहाँ लगा रहे। लगातार अंदरूनी क्षेत्र में पुलिस का जो है लोगों से खिंचाव बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस की मेडिकल कैंप में लोग आए हैं। यहाँ लोग दर्द से बहुत ग्रस्त रहते हैं, शरीर में दाग होना, नोचनी की शिकायत होना, आँखों में दर्द होना, बुखार, खांसी, सर्दी, दस्त, तो इसके लिए दवाइयाँ हम लेके आए खरीद के, इनको जो है दवाइयाँ जो है वितरण किया जा रहा है। सर दो चेहरा आपका देखने को मिलता है, नक्सलियों का जवाब आप गोली से देते हैं और ग्रामीणों का इलाज गोली से करते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? नहीं नहीं हमारा है कि जो भी लोग मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं उनका हमारा स्वागत है। लगातार लोग सरेंडर भी कर रहे हैं, यही कारण है कि आप देख रहे हैं गांव-गांव में हमारा जो हमारी समर्थकों हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो बीमार लोग हैं उनका हम इलाज भी करते हैं। हम तो आह्वान भी कर रहे हैं कि जो भी गांव में चिन्हांकित लोग हैं वो पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने कहीं भी सरेंडर करें, मुख्य धारा में जुड़े, नक्सलियों से दूर रहें और जो समृद्धि के रास्ते में आगे बढ़े। बिल्कुल, ये थे दंतेवाड़ा के एसपी और इनका कहना है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और ग्रामीणों का इलाज गोली से किया जाएगा। जिस तरीके से सामुदायिक सुरक्षा का कैंपेन चला करके ग्रामीणों के बीच एक अच्छा पुलिस तालमेल बैठा रही है, एक अच्छी खबर है। पंकज सिंह भदौरिया, स्वराज एक्सप्रेस, श्यामगिरी।